कलयुग का श्रवण कांवड़ लेकर पहुंचा मुजफ्फरनगर। गंगाजल के साथ कंधों पर माता और पिता को लेकर जा रहा है मेरठ। पौराणिक कथाओं में आपने उस श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जिसने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर कांवड़ के रूप में तीर्थ यात्रा कराई थी। तभी से श्रवण कुमार एक ऐसा नाम रहा है जो अपने माता पिता की सेवा करने के नाम पर उनके नाम की कसम तक खाई जाती है। आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में हरिद्वार से गंगाजल के साथ अपने माता पिता को अपने कंधों पर लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा कलयुग का ये श्रवण बिट्टू गुर्जर बता रहा है कि ये उसका सपना था कि जिस तरह त्रेता युग में एक श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, उसी से प्रेरणा लेकर वो भी अपने माता पिता को हरिद्वार से गंगाजल के साथ कांवड़ के रूप में लेकर चला है। 180 किलोमीटर की उसकी ये यात्रा है। उनका गांव जनपद मेरठ में पड़ता है। वह कलयुग के श्रवण के माता पिता राजेश देवी और रणवीर कहते हैं कि भगवान ऐसा बेटा सभी के घर में पैदा करे। उनके जैसा बेटा हर किसी के घर में पैदा होना चाहिए। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका बेटा हरिद्वार से गंगा जल लेकर आया और उसके साथ ही उन्हें अपने कंधों पर लेकर जा रहा है। बोल बोल बम 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 बम। आपका नाम? रणवीर जी। रणवीर जी, आपका बेटा आपको यात्रा करा रहा है कंधों पर बिठाकर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को, किस तरह का बेटा है आपका? सबको घर घर ऐसे बेटा देवे शर्मन। जिस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, सेवा नहीं करते, सेवा से बचने के लिए उन्हें इधर उधर छोड़ आते हैं, और आपका बेटा खुद आपको कांधे पर बिठाकर यात्रा करा रहा है 180 किलोमीटर पैदल। हाँ जी। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या कहेंगे कि इस तरह का बेटा सबको मिलना चाहिए, क्या है? सबको ऐसे देवे, सबको यात्रा करवावे। क्या जब आपका बेटा हुआ आपने कोई बोल कबूल की थी या कोई? नहीं जी, हम नहीं जी हमने नहीं मांगी जी कुछ। कैसा लगता है आपका बेटा? अच्छा लगता है, सेवा कर रहा जी, अच्छा लग रहा। डेजो गांव में जी हमारा, जिला मेरठ, और हम पहुँचे हरिद्वार। हर की पैड़ी से जल उठाया जी हमने, और हमारा जी 180 किलोमीटर। आज तक अभी तक जितने भी भोले आ रहे हैं वो जल ले कर आ रहे हैं, आपने एक श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को लेके आ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? जी मेरी बस इच्छा थी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊँ। किस तरह का कोई समस्या आई? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आई जी, और मुझे खुशी है, मेरे माँ बाप को भी खुशी है जी। क्या कोई बोल कबूल की थी? नहीं जी, कुछ नहीं मांगा जी। कहाँ से ये मन में आया कि मैं अपने माता पिता को एक श्रवण कुमार की तरह लेके जाऊँ? बस श्रवण कुमार को देख कर जी। आप भी एक युवा हैं, अपने माता पिता के बालक हैं, आज के युवा को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी आपको मिली? मैं तो ये कहूँ जी, सभी श्रवण कुमार बने जी, और घर घर में श्रवण कुमार पैदा हुआ, और अपने माँ बाप को ऐसी तीर्थ यात्रा करवावे जी, जो और तीर्थ यात्रा नहीं, जो सेवा भी करा जी अपने घर जाकर जी, ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्रा करवा रहे उसके बाद फिर सेवा नहीं कर रहे जी। क्या लगता है जिस तरह कलयुग चल रहा है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए के आ जाते हैं और अपने? बहुत गलत है जी, बहुत जिसे कहवा गलत। तो मैं देखना चाहूँ अपने माँ बाप को अपने पास रखे जी, तीर्थ यात्रा करवावे। तीर्थ यात्रा बस की नहीं है तो कोई बात नहीं, घर अपना सेवा करा। आपका नाम? रणवीर जी। रणवीर जी, आपका बेटा आपको यात्रा करा रहा है कंधों पर बिठाकर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को, किस तरह का बेटा है आपका? सबको घर घर ऐसे बेटा देवे शर्मन। जिस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, सेवा नहीं करते, सेवा से बचने के लिए उन्हें इधर उधर छोड़ आते हैं, और आपका बेटा खुद आपको कांधे पर बिठाकर यात्रा करा रहा है 180 किलोमीटर पैदल। हाँ जी। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या कहेंगे कि इस तरह का बेटा सबको मिलना चाहिए, क्या है? सबको ऐसे देवे, सबको यात्रा करवावे। क्या जब आपका बेटा हुआ आपने कोई बोल कबूल की थी या कोई? नहीं जी, हम नहीं जी हमने नहीं मांगी जी कुछ। कैसा लगता है आपका बेटा? अच्छा लगता है, सेवा कर रहा जी, अच्छा लग रहा है।